लोक सेवा आयोग की ओर से होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 22 अगस्त को इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। पेपर वन के लिए 11 से 12 बजे और पेपर टू के लिए 2 से 5 बजे के बीच स्क्रीनिंग एग्जाम होने जा रहा है। हालांकि अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड भी वेबसाइट से अभ्यर्थी कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य बारीकी से जानकारी भी वेबसाइट पर दी गई है और दूरभाष नंबर पर भी ये संपर्क कर सकते हैं लोक सेवा आयोग के। आउटसोर्स कर्मचारी एक दफा फिर जागे हैं और अपने लिए पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से ये शांत हो गए थे, लेकिन एक दफा फिर इन्होंने कहा है कि नियमितीकरण इनका होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब कोई रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनेगी। ये वोकेशनल शिक्षक हैं। लगातार इनकी ओर से ये मांग पहले भी उठाई गई थी कि इन्हें भी डायरेक्ट विभाग के अंडर किया जाए, क्योंकि कंपनियां इनका शोषण कर रही है। इन दिनों वोकेशनल शिक्षा सभी स्कूलों में प्रदान की जा रही है। और देखिए, ये विभिन्न तरह के कोर्सेज हैं जो कि छात्रों को सक्षम बना रहे हैं जल्द से जल्द रोजगार हासिल करने के लिए। तो ऊंचाइयाँ छात्र छू रहे हैं वोकेशनल शिक्षा हासिल करने के बाद, लेकिन जो शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। इनका कहना है अनदेखी हो रही है पूरी तरह से, जब बाकी कैटेगरीज को ये लाभ मिल रहा है शिक्षकों की कि उन्हें रेगुलर किया गया है, वो डायरेक्ट विभाग के दायरे में है, तो आखिरकार इनकी अनदेखी क्यों हो रही है? इन्हें भी रेगुलर पॉलिसी मिलनी चाहिए, एक तरह से रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनाई जानी चाहिए। और अब इन्होंने एक दफा फिर सरकार से ये दरख्वास्त की है। 2400 के करीब वोकेशनल शिक्षकों की संख्या है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 184 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की है। नदौन में 8 लेन स्विमिंग पूल और शूटिंग रेंज सुविधा वाला खेल परिसर का निर्माण होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने नदौन के खरीडी मैदान में बन रहे बहुउद्देश्यीय खेल परिसर का शनिवार को ही शिलान्यास किया है। सीएम का नदौन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस खेल परिसर का 20% काम पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री का ये कहना था कि सभी तरह की स्पोर्ट्स सुविधाएं अब हिमाचल प्रदेश में दी जाएंगी। इसे लेकर जगह जगह पर ये बड़े खेल कॉम्प्लेक्स तैयार भी किए जा रहे हैं। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि नशे से दूर युवा पीढ़ी रह पाएगी, तो इसीलिए इंडोर स्टेडियम्स का निर्माण भी जगह जगह किया जा रहा है। और नदौन में भी तकरीबन ये देखिए 184 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजना है जो कि समर्पित की गई है। हालांकि ये अलग अलग क्षेत्रों में थी, कुल मिलाकर ये हमीरपुर की जानकारी हम दे रहे हैं जहाँ 184 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी परियोजना मानी जा रही है ये नदौन के खरीडी मैदान में बहुउद्देश्यीय खेल परिसर जो बनाया जा रहा है, ये बड़ी सौगात कहना चाहेंगे। अब उन स्कूल्स पर आना चाहेंगे जिन्हें बंद किया जा रहा है। ये संख्या भी कम नहीं है, तकरीबन 460 के करीब है। देखिए, इसमें 99 प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो डी नोटिफाई कर दिए गए हैं, यानी कि जहां पर एक भी छात्र नहीं था। इसके अलावा 361 प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स ऐसे सामने आए हैं जहां 5 या 6 के बराबर संख्या थी या इनसे भी कम संख्या थी। तो इन स्कूल्स को मर्ज किया जाएगा। ये एक तरह से बंद नहीं हुए हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन 99 के करीब स्कूल डी नोटिफाई हुए हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, इस वजह से क्योंकि वहां पर एक भी छात्र नहीं था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार स्टाफ का क्या होगा, क्योंकि ये पिछली कैबिनेट में ही सरकार की ओर से फैसला लिया गया था, अब इसे लागू कर दिया गया है। और जो शिक्षा सचिव राकेश कंवर हैं उनकी ओर से इस पर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब अधिसूचना जारी हो गई है और इसमें साफ तौर पर ये बिल्कुल बताया गया है कि आखिरकार स्टाफ को कैसे और कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। अलग से इसके लिए ये लिखित में आदेश जारी हुए हैं। पहली बात करना चाहेंगे शिक्षकों की कि आखिरकार इन्हें कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। नज़दीकी स्कूलों में शिक्षकों को ट्रांसफ़र करने की बात हुई है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ऐसे शिक्षकों को भेजा जाएगा जो कि स्कूल डी नोटिफाई हो गए हैं या जिन्हें मर्ज किया जा रहा है, और ये टीचर विद पोस्ट ट्रांसफ़र होने वाले हैं। अब आना चाहेंगे बाकी चीज़ों पर, क्योंकि स्टाफ के अलावा यहाँ छात्र भी हैं, ऑफिस रिकॉर्ड भी है, और भवनों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टाफ में तो मल्टीटास्क वर्कर्स और वाटर करियर्स भी आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने शिक्षकों को लेकर जानकारी दे दी है कि इन्हें विद पोस्ट ही ट्रांसफ़र किया जाएगा और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में इन्हें भेजा जाएगा। इनकी एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब मल्टीटास्क वर्कर्स और वाटर करियर्स की कर लेते हैं। इनका पूरा जिम्मा ही यहाँ ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को दिया गया है। इनके डिस्पोजल पर ही इन्हें भेजा जाएगा, ये भी क्लैरिटी हो गई। तीसरी बात करना चाहेंगे छात्रों की, तो देखिए, छात्रों को नज़दीकी स्कूलों में भेजा जाएगा और ये पूरा जिम्मा डेप्टी डायरेक्टर से लेकर सेंटर हेड टीचर तक दिया गया है, यानी कि ये जिम्मेदारी
डेप्यूटी डायरेक्टर से लेकर सेंटर हेड टीचर की होगी कि वो नज़दीकी स्कूलों में छात्रों को भेजे और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऑफिस रिकॉर्ड का क्या होगा? देखिए, जो स्कूल डी नोटिफाई कर दिए गए हैं पूरी तरह से बंद हो चुके हैं उनका ऑफिस रिकॉर्ड सेंटर स्कूल में होगा, और जो डी नोटिफाई नहीं हुए हैं लेकिन मर्ज ज़रूर किए गए हैं तो जिन स्कूलों में उन्हें मर्ज किया गया है वहीं उनका पूरा ऑफिस रिकॉर्ड पहुँचने वाला है। स्कूलों का फर्नीचर, किताब और अन्य सामान जो कुछ भी रहेगा उन्हें ज़्यादा एनरोलमेंट वाले स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा JBT की सेंक्शन पोस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर के कॉमन पुल में डाल दी जाएगी, जबकि TGT जैसे स्टेट लेवल की पोस्ट डायरेक्टरेट लेवल के कॉमन पुल में रखी जाएगी। बंद किए गए स्कूलों की ज़मीन और भवन शिक्षा विभाग के तहत ही रहेगी, लेकिन लोकल ग्राम पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी उन्हें लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इत्यादि के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो ये है पूरा ब्यौरा। लिखित में अलग से ये ऑर्डर जारी हुए हैं कि आखिरकार स्टाफ को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, जो छोटे वर्ग हैं, मल्टीटास्क वर्कर, वाटर करियर जैसे, इनका क्या होगा। इसके अलावा छात्रों को लेकर भी हमने जानकारी दे दी है, नज़दीकी स्कूल में इन्हें भेजा जाएगा। डेप्टी डायरेक्टर्स तक को ये ज़िम्मा यहाँ पर दे दिया गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किताबें हैं और बाकी का सामान है उसे ज़्यादा एनरोलमेंट वाले स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। भवनों का इस्तेमाल यहाँ लोकल ग्राम पंचायत भी कर सकती है, हालांकि यूँ तो ये शिक्षा विभाग के दायरे में ही ज़मीन और भवन रहेगी, लेकिन अगर ग्राम पंचायत को आवश्यकता है तो बिल्कुल उन्हें ये इस्तेमाल करने के लिए भवन और जमीन दी जा सकती है। जो इसमें जिम, लाइब्रेरी या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए गए थे इनका इस्तेमाल भी ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कर सकती है। देखिए, मॉनसून सेशन 27 अगस्त से शुरू हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक इससे पहले नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक तय कर ली गई है और ये पड़ोसी राज्य हरियाणा में होगी, यानी कि जो हरियाणा है वो एक तरह से होस्ट स्टेट इस बार रहने वाला है। 6 सितंबर को चंडीगढ़ में ये बैठक प्रस्तावित हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तैयारियाँ इसके लिए पूरी हो चुकी है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें जो अधिकतर मामले रखे जाते हैं वो राज्य इंटरस्टेट विवाद को लेकर ही उठते हैं, तो हिमाचल प्रदेश भी बिल्कुल अपनी भागीदारी इसमें दिखाने वाला है। 6 सितंबर को ये होगी, शेड्यूल सामने आ चुका है। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर ऐलान पहले ही हो चुका था और उसके बाद फिर इसकी घोषणा हुई है। अब उन अभ्यर्थियों पर आना चाहेंगे जिनकी भर्तियां लटकी हुई हैं और ये लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनका रिजल्ट घोषित होगा या कब नई भर्तियां हो पाएंगी। लेकिन एक ही बात बार बार बीच में आ जाती है कि राज्य चयन आयोग के पास तो भर्ती एजेंसी ही अभी तक नहीं है, यानी कि नई भर्ती एजेंसी ही हायर नहीं की गई है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा करवाई गई थी एक प्रयोग के तौर पर और इसका जिम्मा दिया गया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एजेंसी को, तो ये TCS को ज़िम्मा ज़रूर दिया गया था लेकिन रिज़ल्ट अभी तक इसका भी नहीं आया है। और उसके बाद तय ये हुआ था कि कोई अपनी एजेंसी अब राज्य चयन आयोग की ओर से हायर की जाएगी, जिसके लिए दो कंपनीज की ओर से टेंडर भी किए गए थे लेकिन रूल्स के हिसाब से बात बनी नहीं। फिर बीच में चर्चा ये भी थी कि दोबारा से TCS को ही अन्य भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा दिया जा सकता है, लेकिन फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब से ये बात भी नहीं बनी। अब यहाँ अभ्यर्थियों की ओर से देखिए सुझाव ये दिया जा रहा है कि जिनकी भी भर्तियाँ लटकी हैं या जो नई भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, फिलहाल अभी राज्य चयन आयोग को पुरानी प्रणाली ही यहाँ पर लागू कर देनी चाहिए, यानी कि OMR सिस्टम को ही लागू कर दिया जाए जब तक नई एजेंसी हायर नहीं होती है, क्योंकि सब्र का बांध अभ्यर्थियों का टूट रहा है। इनका कहना है कि पहले भी तो यहाँ पर भर्ती परीक्षाएं हो ही रही थी, दोबारा से OMR सिस्टम से ही कर दी जाए क्योंकि कोई और रास्ता सरकार के पास नहीं है, राज्य चयन आयोग के पास नहीं है। अब इस बात को माना जाता है या नहीं देखना होगा, क्योंकि OMR सिस्टम तो देखिए बंद ही तब किया गया था क्योंकि यहाँ कॉन्टीन्यूसली धांधलियाँ हो रही थी भर्तियों में, और अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाएगा ये बात सामने आई थी। CBT प्रणाली लागू करने के लिए लंबी चर्चा भी हुई थी, एक लंबा समय भी ये फाइल तैयार करने के लिए कमेटी को दिया गया था, लेकिन जब ये नहीं हो पा रहा है या नई भर्ती एजेंसी हायर नहीं हो पा रही है तो ज़रूरी है कि कम से कम भर्ती परीक्षाएँ तो होती रहे, इसके लिए फिर चाहे दोबारा से OMR सिस्टम को ही लागू करना पड़े। ये अभ्यर्थियों ने एक तरह से सुझाव दिया है, फिलहाल इस सुझाव को किस तरह से लिया जाएगा देखना होगा।